वैसे आपको पता है ना कि जो ओबीसी मोर्चे के मुखिया हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भेदभाव किया गया है। आपको उत्तर प्रदेश भर्ती घोटाला दिखाई दे रहा है और उसका जवाब देंगे, तुहिन सिन्हा देंगे, करण वर्मा भी जवाब देना चाहते हैं, पर अभी जो हरियाणा में कांग्रेस के खुद के ओबीसी मोर्चा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मेरे को ना कोई तवज्जो दी गई, ना मुझसे कोई बात की गई, और तो और मुझे एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। अरे अरे, तो वो भी क्या पिछड़ी जातियों के खिलाफ है? देखिए महाराष्ट्र के अंदर फेंकू बात, महाराष्ट्र के एक शायद डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी, उसका इससे क्या लेना देना? वो तो रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, अच्छा कौन रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है? यही आरएसएस के लोग रहे हैं। चलिए बताइए, करण वर्मा ये है आरएसएस बीजेपी का असली चेहरा पिछड़ों के खिलाफ। पहली बात तो अनिल यादव हैं जो कांग्रेस के ओबीसी चीफ हैं, उन्होंने बताया किस तरह से उनको चिन्हित करके किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी बेइज्जती करी गई, ये उन्होंने खुद बताया अनिल यादव। दूसरी बात जरा देखिए, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, वाल्मीकि समाज का किस तरह से फंड खाया। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि मैं बात कर सकता हूँ पद्मजा जी, आप पद्मजा जी मैं बोल सकता हूँ, लेखक साहब पद्मजा जी मैं बात कर सकता हूँ। शांति से पूरा डिबेट चल रहा है, आप क्यों तेजित हो रहे हैं? आपके पास वापस आऊंगी, पूरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड सर, हाँ करण वर्मा, ये जो जिस इंडेक्सेस को गिना रहे हैं उनके तहत बांग्लादेश और श्रीलंका जो है हमारे से हंगर में ऊपर और हम ही से खाना इंपोर्ट करती हैं। ये जिस इंडेक्स को गिना रहे हैं उसमें पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है, जहां पर एक एक बोरी आटे के लिए लड़ रहे हैं, और तालिबान में प्रेस फ्रीडम ज्यादा हिंदुस्तान से, तो इनके ज्ञान की तो बहुत चर्चा है, छोड़ दीजिए इनको। पर समाजवादी पार्टी क्या किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश में, जॉब्स में प्रमोशन जो बसपा के दौरान हुआ था दलितों का, उनको डिमोट करके पीछे लाकर के 2012 में स्टेप पास किया अखिलेश यादव ने, तब इनको नहीं नजर आया कि ये दलित विरोधी हैं। मतलब आरएसएस में आज 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है आरएसएस, वो आपको दलित विरोधी लगता है? वहां दलित ओबीसी सब एक साथ पढ़ते हैं। पंडित नेहरू, मैं तो सापड़ा साहब से पूछ रहा हूँ, पंडित नेहरू उन्हें 1963 में रिपब्लिक डे परेड में लेकर आते हैं, क्या शानदार काम किया है चाइना वॉर में, तो तब क्या हो जाता है? ये पंडित नेहरू ने किया 1963 में आरएसएस के लिए, तो थोड़ा जान करके पढ़ कर क्या आया करिए महाराजा। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मोहन भागवत साहब की जाति क्या है? क्या आरएसएस का कोई अध्यक्ष दलित बन सकता है? ये देखिए, कोई महिला बन सकती है? चलिए बताइए जाति क्या है, बताइए राहुल गांधी की, देखिए आपकी जाति क्या है? आप अशरफ समाज से आते हैं, अंसारी से आते हैं, अरजन से आते हैं, किस जाति से आते हैं? अपनी जाति बताओ पहले, किया हो सुन्नी हो देवबंदी हो, किस तरह के हो, किसको मानते हो, अहले हदीस को मानते हो? अपनी जाति बताओ पहले, अहमदियों को मानते हो, मुस्लिम अहमदियों को मुस्लिम मानते हो, मिर्ची तुम्हें लगी है, किस जात के हो बताओ, अपनी जात उधर की ना बात कर रही है, बताओ अंसारी हो, अशरफ हो, अजरल हो, क्या हो बताइए ना, 72 फुर्कियां बताओ अपने बारे में, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। आज इनकी वो हालत हो गई है, जात पात की बात करते थे, मुस्लिम की जात आज लोग पूछ रहे हैं। इन्होंने पसमंदा समाज के साथ जो शोषण किया है पिछले 70 साल में, केवल और केवल 15% उनको सीट दी है लोकसभा में, जबकि 85% पसमंदा समाज। ये बहुत जरूरी बात छेड़ी है करण वर्मा ने, एक बहुत जरूरी बात छेड़ी है, और चरण सिंह सापरा जी मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है अगर आप हिंदू समाज के अंदर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अलग अलग जातियों को दबाया जा रहा है, ठीक है आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, पर यही आप मुसलमान समाज के लिए क्यों नहीं करते? ये सीधा सवाल पूछा जा रहा है। अरे अरे सर, आप मेरी आवाज क्यों दबा रहे हैं? सैयद जब चलिए बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड। अभी यहाँ पर तुहिन सिन्हा भी बोल रहे हैं, करण वर्मा बोल रहे हैं, आपको पता है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके पास आरक्षण है, ये पता है आपको? यहाँ के माइनोरिटीज के पास है आरक्षण? चलिए बताइए कितना परसेंट आरक्षण है, बताइए बांग्लादेश में कितना परसेंट आरक्षण मिला हुआ है? ठीक है, अल्पसंख्यकों को, ठीक है, तुहिन सिन्हा से मैं सवाल पूछूं, वहां पर यहाँ नहीं है, एक सेकंड बताइए कितना परसेंट। चरण सिंह सापरा जी, वैसे तो कई मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिला हुआ है, पर चलिए क्योंकि हमारे भाई हमारे कानून के हिसाब से किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता सर, ये तो हमारा कानून है, आप कानून बदल देंगे क्या? एक सेकंड, आप कहां मुद्दे को ले जा रहे हैं? एक सेकंड, आप डिबेट कहां ले जा रहे हैं? आप कह क्या रहे हो? एक सेकंड, और आप चरण सिंह सापरा जी को मौका क्यों नहीं दे रहे जवाब देने का, बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? के संविधान का विरोध कर रहे हैं, इनके समर्थन में ट्विंग छिना। एक सेकंड चरण सिंह जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सेकंड प्लीज, चिल्ला चिल्ली ठीक है, एक सेकंड सर, आप क्यों इतने व्याकुल हुए जा रहे हैं? मैं आपको वक्त दूंगी सर, एक सेकंड,